हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? फोर्थ वीडियो ही होगे बच्चों। इस वीडियो में जनरली हम बात करने वाले हैं कि भैया हमारा एडमिशन हो चुका है, हमारी क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं, ठीक है, क्या हमारा सिलेबस होने वाला है, कैसा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। मैं कॉलेज में, मेरी डेट आ गई है, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा हॉस्टल अलाउड नहीं है, बहुत सारी परेशानियां आपके साथ है। उन सभी परेशानियों का समाधान करने मैं आ गया हूँ अपने इस चैनल पे। तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं बात। सबसे पहला सवाल ये है कि भैया मैं बीए में पढ़ता हूँ, बीएससी में पढ़ता हूँ, मेरा वेरिफिकेशन डेट कब आएगा और सेकेंड अलॉटमेंट कब आएगा? ये सवाल कई चर्चों में है, ठीक है। तो बीए का जो अलॉटमेंट होगा बच्चों, वो आज शाम को नोटिस जारी होगा, कल से अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। और जहां तक रही बीएससी वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बीए वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका 9 या 10 तारीख के बाद से होगा। तो आपकी क्लासेस 10 अगस्त के बाद शुरू होने वाली हैं। किसकी क्लासेस? जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट है उनकी क्लासेस 10 अगस्त के बाद शुरू होने वाली है, बीए और बीएससी की। बाकी दो जगह क्लासेस चल रही हैं, दो डिपार्टमेंट में, कौन कौन से? तो अभी बीकॉम की क्लासेस चल रही है और बीए एलएलबी की पूरी क्लासेस बच्चों आज से स्टार्ट हो गई है। तो ये दो क्लासेस चल रही है। अब बच्चों के अंदर एक सवाल है, भैया मैं तो एडमिशन लेने को लखनऊ यूनिवर्सिटी में ले लिया हूं या अफिलिएटेड कॉलेज में ले लिया हूं, लेकिन डर इस बात का है कि क्या ये 75% अटेंडेंस जरूरी है? ठीक है, 75% अटेंडेंस क्या जरूरी है? तो बच्चों मैं बता दे रहा हूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, बस एक कोर्स छोड़ के, एमबीए केवल छोड़ के, बाकी सभी कोर्सेस में आपका यह 75% अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। दूसरा सवाल ये कि भैया 75% अटेंडेंस का खेल खत्म हो गया, अब बताओ कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा, कैसे होगा? तो हॉस्टल के लिए यूनिवर्सिटी कह रही है कि जब तक सेकेंड थर्ड अलॉटमेंट हो नहीं जाएगा तब तक हम बच्चों के हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म जारी नहीं करेंगे। तो हॉस्टल का पूरा पूरा ये मान के चलिए, पहले तो सुनने में आया था 7-8 को जारी हो जाएगा, लेकिन अब ये फॉर्म लगभग 10 अगस्त के बाद ही आने की उम्मीद है, 10 अगस्त के बाद ही आने की उम्मीद है। क्योंकि बीए का जब तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड अलॉटमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक हॉस्टल अलॉटमेंट के फॉर्म अभी नहीं जारी किए जाएंगे, 10 अगस्त के बाद जारी किए जाएंगे। भैया मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं करूं क्या? तो आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपको पढ़ने की थोड़ी बहुत चिंता है, क्लासेस में क्या चलता है, कैसे पढ़ाई होती है, तो इन चीजों का आप एलियो अपडेट मोबाइल ऐप से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आपके सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हो गए, ठीक है। 75% का मामला सॉल्व हो गया। अब दूसरा सवाल आपके पास क्या है, तीसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भैया स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ठीक है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, इसका क्या प्रोसेस होता है? तो बच्चों मैं बता दूं, स्कॉलरशिप पहले किसको मिलती है? जिनके फादर की इनकम 2 लाख से कम होती है, ठीक है, लेस देन 2 लाख है, 2 लाख होती है, उनको लखनऊ विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप देता है, ठीक है। अब ये 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं भैया, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, ठीक है, उसके बाद से एसटी कैटेगरी। तो देखो बच्चों, जनरल कैटेगरी बात करो आपके नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर जहां पे होता है, ठीक है, वहां पे जनरल कैटेगरी के 60% स्कॉलरशिप आते हैं, ओबीसी में भी 60%, एससी में 100% स्कॉलरशिप मिलती है, जो भी फीस जमा किया होगा एससी में भी 100% स्कॉलरशिप मिलती है। इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करोगे क्या तो आगे के सारे प्रोसेस मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 75% अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है। अब अगला सवाल आपको ये जानना होगा कि भैया एडमिशन तो हो गया, पढ़ाई कैसे शुरू करें, कहां से करें? तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने आपकी मदद कर दी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, गूगल क्रोम ओपन करिए या आप अपना मोबाइल ऐप ओपन कर लीजिएगा, सबसे अच्छा, ठीक है। जैसे ही आप मोबाइल ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और जैसे ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे कंटेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, आपके फोन में ये कैसे दिखेगा, तो फोन में आपका ये 3 डॉट दिखेगा ऐसे, उस पर क्लिक करिएगा, फ्री मटेरियल का कॉर्नर होगा, उसमें क्लिक करिएगा। आप चाहे बीए करना चाह रहे होंगे, बीएससी करना चाह रहे होंगे, बीकॉम करना चाह रहे होंगे, बीबीए करना चाह रहे होंगे, बीसीए करना चाह रहे होंगे या बीए एलएलबी,
किसी भी कोर्स में आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए तो आपको सारा सिलेबस वहां से अवेलेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं है, जैसे ही हमने क्लिक किया डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया और नीचे देखिए सिलेबस का पूरा फोल्डर, सारे कोर्सेज का सिलेबस आपको अपने अपने फोल्डर में आराम से आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें सारे सिलेबस हैं, पूरे पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के भी सिलेबस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सिलेबस हमने यहाँ पे अपलोड करा दिया है, तो आप यहाँ से आराम से एक्सेस कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो सारा सिलेबस डाउनलोड कर लेना। बात रह गई आपके एग्जाम की, तो देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पूरा पैटर्न चलता है एग्जाम का, ये दो बेस पे चलता है। ठीक है, पहला बेस ये होता है बीकॉम, पहला ये होता है ऑड सेमेस्टर और दूसरा होता है इवन सेमेस्टर। इसमें कई बच्चों का एक सवाल होता है और ये सवाल आज जान लो, ऑड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर, और कई लोग के सामने बीकॉम एनईपी फोर ईयर लिख के आया होगा, बीए एनईपी फोर ईयर लिख के आया होगा, बीएससी एनईपी फोर ईयर लिख के आया होगा। तो इसके लिए आज से अगर रोड मैप नहीं बनाओगे ना तो फोर ईयर में एंट्री नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं मिलेगी, अगर आप एग्रीगेट 75% मार्क्स नहीं लाते हो तो आप चौथे साल में एंट्री नहीं मिलती है, तीन साल बाद आपको डिग्री दे के भगा दिया जाता है। ठीक है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा एग्जाम पैटर्न मैं बताने जा रहा हूं। ऑड सेमेस्टर कैसे एग्जाम होगा, इवन सेमेस्टर कैसे एग्जाम होगा। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में मास्टर साहब यहाँ पढ़ने जाएं कि ना जाएं, कि ऑनलाइन ही कोचिंग से काम चल जाएगा, ये सारी बातें हम पूरे करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ऑड सेमेस्टर का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है बच्चों, यहाँ 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। पूरा एग्जाम जो होगा बच्चों, पूरा एग्जाम जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब 100 मार्क्स में आपका 75 मार्क्स का जो होगा बच्चों, उसमें आपके एक्सटर्नल एग्जाम, यही 75 नंबर वाले एक्सटर्नल, मतलब 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 5 करना होगा, 5 जो क्वेश्चन होगा 15 नंबर का एक होगा, तो 75 मार्क्स, ये क्या 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, जिसमें आपको मास्टर साहब को एक अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना के देनी होगी और उसका आपके सामने क्या होगा, वाइवा होगा। ठीक है, तो ये ऑड सेमेस्टर का पूरा पैटर्न होने वाला है। इवन सेमेस्टर का क्या पूरा पैटर्न होगा, इवन सेमेस्टर में देखिए 100 एमसीक्यू आप सभी से पूछा जाएगा, मात्र उसमें से 75 एकदम बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू, जो एकदम एलयूअपडेट मोबाइल ऐप से आप पढ़ोगे वही एमसीक्यू कॉपी पेस्ट होंगे, वही वाले एमसीक्यू आ जाएंगे। 75 एमसीक्यू करने हैं, अब प्लस मतलब 100 एमसीक्यू में 75 एमसीक्यू करने, ये 75 नंबर का आपका योगा एमसीक्यू एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का इसमें भी इंटरनल एग्जाम होगा, वही आपको फाइल बना के देनी है। ये हो गया आपका ऑड और इवन सेमेस्टर। अब अगर आपको चौथे साल में एडमिशन लेना, मतलब ऑनर्स की डिग्री लेनी है, सपोज करो अब कई लोग इस उम्मीद में नहीं पढ़ पाए कि ऑनर्स में पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक मौका और है। मौका ये है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर में 75% या इससे ज्यादा एग्रीगेट मार्क्स लेके आओगे तो आपको फोर्थ ईयर में प्रवेश मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ के चले जाओगे। अब भैया हमारे सेमेस्टर एग्जाम की किताबें कहां मिलती हैं, जरा ये बता दो। हमारे एग्जाम मतलब हमारी क्लासेस तो स्टार्ट हो गई, हम जा नहीं पा रहे, तो किताबें पढ़ें कि मास्टर साहब के यहाँ कहीं कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर लें, तो मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, अगर आप कॉलेज में आ गए हो तो डे वन से आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि यहाँ अगर 20 दिन भी पढ़ दोगे ना तो परीक्षा में 70-80% आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कैसे आएंगे, सही मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, अब आप कई जगह से एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी वारी की होगे तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, जब एडमिशन होने लगता है तो हम लोग देखो पोस्टर लगा के दिखावा नहीं करते हैं, आपने देखा होगा एलयू अपडेट हमेशा जमीन पे मेहनत कर। ठीक है, तो उसी की देन है, मैं बताता हूं आपको रोड मैप, आपके पास ये होना चाहिए ना, आपके जो भी सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा आता है नए नए में, ठीक है, कॉलेज के बारे में नहीं पता होता, उनके बारे में नहीं पता होता, अपना पहला सेमेस्टर बर्बाद हो गया, दूसरा सेमेस्टर बर्बाद हो गया, फिर तीसरे में भैया नमस्ते, चौथे में फिर खेल खत्म। ठीक है, पांचवें छठवें तक जाते जाते भैया नेता बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब ये जान के नहीं होता है, ये हम उन चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब अपने आप कहते हैं कि चलो हम इन पे डाल लेते हैं। तो डे वन से आपके मन में एक चीज होना चाहिए कि बहुत मेहनत किया, 11th 12th पढ़ लिया,
अब 11 12th के पास अब एक जर्नी है, यहाँ 12th के बाद से हम बहुत बड़े बड़े गोल बनाते हैं, चलो भैया जाएंगे सीए की तैयारी कर लेंगे, कैट करेंगे, ठीक है जैम वैम कर लेंगे, ठीक है, और दे देंगे बड़े बड़े एग्जाम या यूपीएससी की तैयारी वारी करेंगे आराम से। लेकिन ये काम करने के लिए जानते हो क्या होता है, यहां से जाने के बाद से एक साल का लेट हो जाता है, पहले कॉलेज को समझते हैं फिर करते हैं, कॉलेज में टाइम बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पहले दिन से ही आप समझ लेना कि कॉलेज जाना आपका टाइम बर्बाद नहीं, उस टाइम को यूटिलाइज कर लेना। यूटिलाइज कैसे करोगे, कॉलेज का हेल्प लेके कहीं लाइब्रेरी में बैठ गए यार, ठीक है कहीं कुछ किताबें पढ़ने लगे, जो तैयारी करते हो वो जो गोल लेके आए हो ना वो फर्स्ट डे वन से ही स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये नहीं कि अब एक साल एक सेमेस्टर दे दे भैया तब ट्राई करेंगे, दूसरा सेमेस्टर दे दे ट्राई करेंगे, तुम्हारे ट्राई करने के चक्कर में तुम्हारा एक दो साल बर्बाद हो जाए। अब कई लोग आएंगे पहले ही ढूंढेंगे ऑफलाइन क्लास कहां मिल जाएगी, ऑफलाइन क्लास एकदम ढूंढना शुरू करेंगे कि अब नहीं आपको कॉलेज में आ गए कोचिंग करने जाना है ऑफलाइन क्लास बता दो। तो मैं आपको बता रहा हूं जब से हम लोग आए, ठीक है, जब से हम लोग बीकॉम पढ़ाना शुरू किए उस दिन से पूरे लखनऊ में बीकॉम की सारी कोचिंग बंद हो गई हैं, ठीक है। जानते हो क्यों, पहले इन चीजों का लोग वैल्यू करते थे कि बीकॉम में 5,000-10,000 फीस ले रहे हैं मास्टर साहब ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब से हमने शुरू किया ना उस दिन से ये सारे कोचिंगें बंद हो गई, 2019 के बाद से ये सारे आपको नजर नहीं आएंगे। बीकॉम की कहीं आपको ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ाई जाती है, बीएससी की ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई जाती है, बीए के लिए कोई कोचिंग नहीं होता है। तो इससे अच्छा हम सजेस्ट ये करते हैं कि आपको इतना ढूंढना टाइम बर्बाद क्यों करना है, आपको सिंपल सा एक काम करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाके एलियोटेड मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी। मैं आपको बता दूं बैच में बेसिकली मिलता क्या, सबसे पहले हम आपको सिलेबस देते हैं, उसके बाद से सभी सिलेबस का रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिल जाता है, उसके बाद से ई बुक मिल जाता है जो आपके बुक की पीडीएफ होती है, ठीक है, जो जनरली अवेलेबल होती है या उनके ऑथर जो होते हैं, ठीक है, या उनसे परमिशन लेते हैं हम लोग तो ई बुक भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब किताब भी दे देते हैं इसी में। उसके बाद से आपको क्या करते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देते हैं। अब आपको एक यूनिवर्सिटी का खेल बताता हूं, जो क्वेश्चन तीसरे साल पूछा जाएगा वो फिर अगले एक दो साल में पूछ लिया जाता है, ये चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद से हमारी टीम आपको बूस्टर देती है, बूस्टर में क्वेश्चन होते हैं 10-15-20 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसके बाद से एट लास्ट में आपको देती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये पढ़ लिया ना तो वो जो 10 में से 5 क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हम 15 क्वेश्चन लिख के देते हैं और इसमें से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। ये सारी फैसिलिटी मिलती है पूरे बैचेस में, बस बीए के बैच में वीडियो क्लास नहीं होता, बाकी सारी फैसिलिटी मिलती है आपको, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर का बैच एनरोल कर लीजिएगा, तैयारी करना शुरू करिएगा और वहां पे आपको मिल जाता है एक छोटा सा ग्रुप। जैसे ही आप बैच इनरोल करते हो, बैच इनरोल करने के बाद एक फीचर सबसे बढ़िया रहता है, वहां पे आपको एक ग्रुप मिल जाता है, ग्रुप में आपको मिल जाते हैं एक मास्टर साहब जो आपके होते हैं मेंटर, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं या कोई भी डाउट होता है तो आपका सॉल्व करते रहते हैं उसी ग्रुप में। जैसे ही आप एंट्री करते हो तुरंत मास्टर साहब मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे ऑनलाइन के बैचेस में मिलते हैं जो आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग देंगे, और ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में आपके 2-3 चीजें लॉस होने वाली है। सबसे पहला आपका टाइम लॉस होता है, उसके बाद से कोचिंग की फीस बहुत महंगी होती है, जो पूरे बैच में बीएससी में 499-20 एलयू अपडेट कूपन यू कोड यूज करते हो तो 4199 में या 4110 में मिल जाता है। वही बैच आप जाके वहां पे जितना सब्जेक्ट पढ़ोगे उतना 1500 से मल्टीप्लाई कर लो, और एक स्टूडेंट कम से कम 3 तो पढ़ता ही है, तो टोटल 4500-5000 रुपया पर महीने का पर सब्जेक्ट का जाएगा उनका, और जबकि यहाँ पे आपको 499 में सारी चीजें। वही हाल अब बीकॉम में है, बीकॉम में पहली बात तो ऑफलाइन कोचिंग कोई मास्टर साहब अभी हिम्मत करके पढ़ा नहीं रहे, क्योंकि सबने सब बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन में इतना ज्यादा बड़ा रिवोल्यूशन ला दिया ना कि लोग ताकते रह गए और कोचिंगें बंद करनी पड़ी, ठीक है। तो ऑनलाइन ही मिलेगा, और मैं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, बीकॉम में तुम एक भी क्वेश्चन कह के दिखा दो कि भैया ये क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आए थे, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा क्वेश्चन आएंगे। बीए में भी हमने वही सिस्टम लागू कर दिए, बस बीए में वीडियो क्लास कहीं नहीं मिलेगा, मास्टर भले ही 50 कहानी बताएं यूट्यूब पे कि ये करा देंगे वो क्वेश्चन ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, लेकिन बाद में एट लास्ट वही जीरो रहने जाने वाला है, ठीक है।
तो रोडमैप ऐसा बनाइए सेमेस्टर का कि आपको कोई पीछे खींच ना पाए और आप आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। ठीक है, तो देखिए इंतजार कर रहा हूं मैं आपके इस सारे बैचेस में, मेंटर भी आपके होंगे 24/7। कभी कोई इशू आप व्हाट्सएप करिए, उनसे कॉल करिए, बात करिए, मेंटर आपको 24 आवर गाइड करेंगे, क्योंकि उस चैट बॉक्स में सीधे ऊपर नंबर पिन होता है कि इस मेंटर का नंबर ये है, आप इनसे कोई डाउट हो तो सॉल्व करा लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी बातें आप कर लीजिएगा, पूरे बैचेस में आ जाइए, जल्दी से इनरोल करिए। कोई भी असुविधा होता है बैच इनरोल करने में या कुछ भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली कॉल करिए, हमारी एक टीम जो है टेक टीम वो हमेशा काम करती है, 90444। ठीक है, 90444105 40। ठीक है, 540-90-444-10-540 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, बात करिएगा, बताइएगा कि सर हम नए हैं, हम नए सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो बोली या वो खुद बात कर लेंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो कोई लाके मेरे से बात करा दे। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप एलियोपेट मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। तो ये सारे रोड मैप सारे जरिया थे जिससे आप सेमेस्टर में एकदम धमाल मचा सकते हो और आप अपना टाइम कभी बर्बाद मत करना। ठीक है, बस यही है, बाकी तो चलते रहेगा क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ने के मौके होते हैं यार, लाइब्रेरी है, सब कुछ है, मास्टर भी कभी कभी 2-4-10 आ जाते हैं, लेकिन अगर जिनको अंदर से कुछ करना होगा उनमें कॉलेज का क्लास जो होगा वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें 75% का मतलब जो डर था वो मैंने आपका निकाल के बाहर कर दिया, बाकी भी जानकारी देता रहूंगा। ठीक है, तो आप एलियो अपडेट मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।